सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे आज के इस ब्लॉग में। और आज सुबह से ही मौसम बहुत ही बेईमान किया हुआ है, मतलब बारिश होने की संभावना है। बट अच्छी बात यह है कि मैंने रात में कपड़े धो लिए थे क्योंकि वोल्टेज सही था। रात में ही बेडशीट वगैरह सारा मैंने धो लिया था। और अब मेरे को यहाँ पे मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि मुझे करना क्या है। सकते हो ये सारा जो बिस्तर मैं नीचे लगाया हुआ था, और ये सारा मेरे को अभी जो पिलोज है उसमें कवर चढ़ाने हैं, और बेड पे जो है बेडशीट लगाना है, और उधर कुकर में दाल मैंने चढ़ाया हुआ है जिसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं करने वाली हूँ। और आज का कहीं ऐसा कुछ प्लान वगैरह तो है नहीं कहीं आने जाने का, बट हो सकता है मार्केट चली जाऊँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो घटी हुई हैं तो वो लेने के लिए, और मेरे को कुछ कुछ और काम है तो आपको पता चल जाएगा जैसे ही दिन बीतता जाएगा। तो फिलहाल चलिए हम लोग अपने इस ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं इस बेईमान वाले मौसम और इस इंट्रो के साथ। I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. देख रहे हो कितनी काली बादल है, मतलब बहुत जोरों की बारिश होने वाली है लगता है। सो अभी अचानक मेरे को जाना पड़ रहा है घर, यानी कि पतरातू, क्योंकि जो राशन के लिए फिंगरप्रिंट उठना था वो मम्मी का नहीं उठ रहा है। तो सारा स्विच ऑफ करके जाने वाली हूँ, जाऊँगी और तुरंत आऊँगी फिंगरप्रिंट लगा करके। अभी बोला जा रहा है ओटीपी वाला भी यहाँ पे बंद कर दिया गया, तो और भी ज़्यादा दिक्कत है, मतलब हर समय मेरे को जाना पड़ेगा। तो फटाफट से निकलती हूँ और पहुँचती हूँ, फिंगरप्रिंट लगा करके वापस भी आना है। देखते हैं क्या क्या होने वाला है, आप बने रहो ब्लॉग पे। फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ और राशन वगैरह भी मैंने ले लिया है। तो फिंगरप्रिंट वगैरह देना था तो खैर फिंगरप्रिंट वगैरह भी दे दिया है, और फिर से एक बार मिलने वाला है तो उस समय फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा ऐसा डीलर ने कहा है। फिलहाल मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ और खाना पीना होगा, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर वापस मेरे को निकलना भी है। आते समय मैंने रास्ता का व्लॉग नहीं बनाया, मतलब रास्ता नहीं दिखाया, तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी जाते समय आपको रास्ता दिखाऊँ। बतरातू वैली तो आप बहुत बार देखे होंगे, लेकिन अभी कुछ एक नया रास्ता है जो करगी की साइड से जाता है, ठाकुर गांव करगी की साइड से, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रास्ता है, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप ब्लॉग में बने रहो, चिपके रहो एकदम से। अभी हम लोग जा रहे हैं बेड़ो, हम लोग कल जा रहे शनिवार, अभी जा रहे हो, कल जा रहे हैं शनिवार को। कहाँ जा रहे हो? शनिवार को बेड़ो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पूजा होगा। ओ बकरा कटेगा, ट्रैक्टर भी जा रहा है। ट्रैक्टर भी जा रहा है? ट्रैक्टर क्यों जा रहा है? ट्रैक्टर तो लोग बेड़ो से आया था। अच्छा, ट्रैक्टर बेड़ो से आया था, अभी वापस जाएगा? एसी नहीं रहेगा तो हम लोग ट्रैक्टर से चल जाएंगे। ओके, गाड़ी बुकिंग है? हाँ, सब गाड़ी बुकिंग थोड़ी किया हम लोग, बुकिंग है ना गाड़ी, ढेर सारा हम लोग बुकिंग किए है इसलिए। तो यहाँ क्यों आए, मेरे पास क्यों आए हो? बोलने की है। क्या बोलने? हम लोग बेड़ो जा रहे हैं। ओ मतलब बता रहे हो कि हम लोग बेड़ो जा रहे हो। हाँ। तो हमें नहीं जाना है? जाना है। कि बुलाने आए हो, इनविटेशन देने आए हो, कि बताने आए हो? बताने आए हैं। आप लोग भी लाइक कीजिए, सरप्राइज के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। सरप्राइज के लिए सब्सक्राइब बोल रहा है, तो मतलब मेरे को भी बेड़ो ले जाओगे? हाँ, आप जल्दी आ जाइएगा। कहाँ पर आना है हम लोग का? ना बस इसी जगह ना आ जाइएगा गाड़ी बुकिंग। अरे मैं तो आज वापस जा रही हूँ मांडर। हाँ तो आप शनिवार को आ जाइए। कल ही है शनिवार।
तो आइएगा ना। उधर से ही जाओगे तो मेरे को रास्ते से उठा लेना, ठीक है, यहाँ से निकलेगा ना तो फोन कर देना, ठीक है दीदी बेड़ो यहाँ आ उधर जाइए। से जाएंगे, उधर हाँ से भी रास्ता चाचा को बोलना, बेड़ो किधर से जाएगा, बोलेंगे पापा का। ठीक है, और मेरे को उधर से आधे रास्ते में उठा लेना, अलग ट्रैक्टर से जा रहे हैं, ठीक, मेरे को भी ट्रैक्टर बिठा देना। एसी नहीं रहेगा तुम लोग ट्रैक्टर में चल जाएंगे। धूप नहीं लगेगा ट्रैक्टर पे? क्या हुआ, तो उसका छत नहीं है, छत कल लगेगा, छत लग जाएगा तो गर्मी थोड़ी लगेगा। अच्छा तो मेरे को किस में बैठना है, वरना में बैठना है कि ट्रैक्टर पे बैठना है? किसी में भी बैठ लीजिएगा, वरना आ रहा है वरना भी जाएगा ना, वरना गाड़ी में ना वरना छत ऐसे खुलती है तो वहां पे ऐसे सर निकाल के हवा खाते जाना। आपको ना हम बोल दिए हैं ना, वरना से जाएगी। अच्छा और मैडम जी को बोला कि जाना है, मम्मी को? मैडम जी जाएगी एसी से। मैडम जी एसी से जाएगी, हाँ मतलब ट्रैक्टर से, नहीं, एसी से हम लोग का गाड़ी, एसी मतलब वो भी वरना में जाएगी? एसी में जाएगी। एसी कौन सी गाड़ी का नाम है, गाड़ी के अंदर एसी होता एक्सेंट है। अच्छा एक्सेंट, ऐसे बोला ना एक्सेंट गाड़ी। इधर नजदीक आ जा रहा है, धुंधला दिख रहा है, इधर तो अच्छा साफ साफ दिख रहा था। मतलब मैडम जी बैठेगी एक्सेंट में और मैं बैठूंगी वरना में, और गोलू बैठेगा ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर है, नहीं है मेरे भाई लोग, हाँ मेरी दीदी मिष्टी, मम्मी बहन सब हम लोग वरना में बैठे। रिंकू पापा चला गया, अरे मम्मी ट्रैक्टर में जा रही, अच्छा और ऐसा, बाबू वरना में, बाबू वरना में, तो मेरे लिए तो जगह भी नहीं बनेगा, तो हम आगे तो दूर मैं जाऊंगी ट्रैक्टर में। नहीं तो हम इथी को बैठा देंगे आगे, गोदी में बैठ जाना, मेरी गोदी में। तो आपको आगे बैठा देंगे, हाँ मैं आगे बैठ जाऊंगी, आप मेरी गोदी में बैठ जाना, चलेगा? हम लोग पीछे ना बैठे। तो कैसे सर बाहर निकालेंगे वरना से? अच्छा काम करते हैं ना, हम गोदी गोदी में और जाएंगे, हो गया जगह। अच्छा ठीक है, पक्का ना? पक्का पक्का, हाँ मिष्टी को आगे बैठा देंगे, हो अच्छा चलो ठीक है, गया तीन तीन जगह। मिलते हैं फिर कल ना। ठीक, बाय।